सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज रिएक्शंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियोस सबसे पहले। हे गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है शैतान इन रमजान। सो ये वीडियो है शाविर जाफरी की तरफ से, उनके यूट्यूब चैनल से। सो उनको सपोर्ट करें एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं उनका दे दूंगा। फिलहाल ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि शैतान रमजान में हमें किस तरह से बहकाता है। शायद इस तरह के टॉपिक पर इन्होंने वीडियो बनाया और मुझे लगता है कि इसी बारे में वीडियो होने वाला है। वैसे देख लेते हैं, पहले वीडियो आगे डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते, हियर वी गो। एक सेकंड में ईयरफोन्स लगा लूँ पहले। सो करते स्टार्ट, हियर वी गो। स्किट्स संडे 2018 का वीडियो है गाइस। शैतान पीले पीले प्यास लग रही है रमजान में। रोजा भी है, सही है, फिर भी प्यास लग रही है। खुश कर दिया शैतान को तुमने, खुश कर दिया। प्यास तो लगती है बट कंट्रोल हमारे ऊपर है। कोई नहीं देख रहा, टेंशन नहीं लो, पी लो बस। क्या सोच रहा है, नहीं रोजा तोड़ते पीले भाई की गैंग में शामिल हो? नहीं ब्रो, नहीं ये बात। बड़ा कमजोर आदमी है। हेलो हेलो, हाँ क्या 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 भाई, तुम्हें किसने धक्का दिया? तूने मुझे पहले धक्का दिया। हाँ मैं भी तो यही कह रहा हूँ, उसने तुझे पहले धक्का दिया। ज्यादा बकवास नहीं कर मेरे साथ, मेरा रोजा है, मेरे से गालियां ना सुनी। ये चीज मैं कहता हूँ निकाल गाली, मैं देखता हूँ कौन रोकता है तुझे। तू देखे तो दिखा गाली, नहीं तू देखे तो दिखा गाली। अबे गंदी वाली गाली दे इसको रोजे में, उसका मजा ही कुछ और है। अबे साले तेरी, हाँ गाली दे गाली दे। माँ की इज्जत करता हूँ मैं, सही है ना? इसका ये मतलब नहीं है कि तू कुछ भी बोलेगा मुझे। हाँ ऐसे होना चाहिए। इज्जत, ये बहन का क्या मतलब? अबे तेरी, हाँ ये चीज, शाबाश। तेरी बहन मेरी छोटी बहनों की तरह है तो मैं उसकी भी इज्जत करता हूँ। तू क्या कर रहे है? गाली दे भाई, माँ की बहन की सबकी किसी की भी गाली दे तू। ओए रमजान में सीन चल रहे हैं। ओए ओए कैसी लग रही है फिल्म तुझे? मेरी बात, मेरी मेरी बात सुन, रिमोट छोड़, रिमोट बात बैठ के बात कर लेते, प्यार से बात कर लेते। क्या हो, रिमोट छोड़ो। चेंज नहीं करना चैनल, मैं तुझे बता, मुझे पता है मल्लिका शराबा तेरी फेवरेट है, मुझे पता है। क्यों चेंज कर रहे हैं, क्यों? अरे यार तुम इंसान हो के शैतान हो? इंसान है भाई तभी। ओए नमाज में उसका कोई फायदा नहीं होता, बता रहा हूं मैं तुझे अभी। शाबाश, मत पढ़। बहुत फायदे भाई। नहीं 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 पढ़, नहीं पढ़, मैं कह रहा हूँ नहीं पढ़, नहीं। हाँ शाबाश, गुड बॉय गुड बॉय। क्या हो गया? नहीं हाँ याद है तुझे, दीपिका पाडुकोण की मूवी लगी हुई है, फेवरेट एक्ट्रेस है ना तेरी, फेवरेट एक्ट्रेस, जाके देख। शाबाश, जाके देख। यहाँ ये सक्सेसफुल हो गए। लेते हैं अभी। ओह नहीं, वाह हाथों में खेल ही नहीं रहा। कुछ लोग शैतान को जितवा देते हैं इसलिए। शीला की जवानी, I'm too proud to say। ये बात, शर्म तो तुम्हें आती नहीं है। अच्छा खासा शैतान डांस कर रहा है, म्यूजिक बंद कर दिया, बेशरम बंदे हो तुम। लक 28 कुड़ी दा, 47 वेट कुड़ी दा। ओए होए चेक कर, ओ तू चेक तो कर यार। यार पागल तो नहीं हो गए हो? अच्छा ये हो, एक नजर तू मार लो, एक नजर वैसे ही माफ होती है। अल्लाह अल्लाह,
लास्ट वाली लाइन बड़ी अच्छी लगी, उसने लड़की को नहीं देखा तो उसने कहा शैतान ने कि भाई तुम क्या गे हो। सो गाइस, एक सच्चा मुस्लिम गुजरती हुई लड़की को कभी नहीं देखता, बट कभी कभी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और लड़कियों के साथ टिकटॉक भी लोग बना लेते हैं। लेकिन गाइस, वीडियो की बात करें, वीडियो का कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाए हैं ये वीडियो, सॉरी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाए हैं शाविर जाफरी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अक्सर हमारे साथ होती है रमज़ान में और हर कोई इससे रिलेट कर सकता है, एंड आप लोगों के साथ भी होता होगा। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि रमज़ान में तो शैतान को बंद कर दिया जाता है ना, लॉक कर दिया जाता है, फिर शैतान हमें कैसे बहकाता है। वैसे हम भी कुछ कम शैतान नहीं है, ये बात भी सच है कि शैतानी तो हम पूरे साल करते, सिर्फ रमज़ान का महीना आता है वहीं हमें याद आने लगती है कि यार ये चीज़ गलत है, नहीं तो नॉर्मल डेज़ में तो हम कई ऐसी चीज़ें कर जाते और हमें रियलाइज़ तक नहीं होता, कई ऐसे गुनाह कर जाते हैं हम और हमको रियलाइज़ तक नहीं होता कि हमने ये गुनाह कर दिया है। बट रमज़ान में एटलीस्ट हम लोगों को याद रहता है कि यार ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना, तो वो यही तो एक रमज़ान महीने की यही तो बरकत है, इसीलिए तो इसे पाक महीना कहा जाता है और बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ होता है ये हर एक मुसलमान के लिए, शायद इसीलिए क्योंकि वो कई तरह के गुनाहों से इसमें एक तो तौबा भी करता है और बचता भी है, शैतान के बहकावे में नहीं आता, तो बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा होना चाहिए। बट एट द एंड रमज़ान ख़त्म होने के बाद फिर हमारी वही सब डेली लाइफ शुरू हो जाती है और फिर से वही सब काम, शैतानी काम शुरू हो जाते हैं और हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। और मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करते वैसा करते, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं भी इन चीज़ों में इंक्लूड हूँ। वैसे रमज़ान में आपके साथ इनमें से क्या चीज़ होती है ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। लाइक आपका रोज़ा है तो आपको फिर पानी की प्यास लगती, पानी देखकर तो आपका मन कभी होता है कि मैं पानी पी लूँ चुपके से, कोई देख ना ले। वैसे तो जिनका ईमान एकदम पक्का रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, जो अल्लाह से डरते हैं वो ऐसा सोचते भी नहीं होंगे, बट कहीं ना कहीं एक इंसान का तो दिल तो बच्चा होता है ना, कहीं ना कहीं ख्याल आ जाता है। वो बात अलग है कि हम बाद में अब खुद को समझा लेते कि नहीं भाई रोज़ा है हमारा, अल्लाह से डरना चाहिए, ये वो, तो कहीं ना कहीं हम समझा देते हैं, लेकिन एक ना एक बार ख्याल तो आ ही जाता है कि यार पानी दिख रहा है पी लिया जाए, खाना दिख रहा है खा लिया जाए, और टिकटॉक चला लिया जाए, यूट्यूब पे एम्ब्रोज रिएक्शन को सब्सक्राइब कर लिया जाए। वैसे वो कर सकते हैं, वो मना नहीं है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना हमको, एंड फैमिली वीडियो होते हैं हमारे, रमज़ान में भी देख सकते हैं। और रमज़ान में मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कोई वीडियो पर रिएक्शन ना करूँ जिससे कि मुझे भी गुनाह मिले और आपको भी, और आप मेरे थ्रू आपको भी गुनाह मिलेगा तो शायद मुझे उससे और ज़्यादा गुनाह मिलेगा। मैं सोच रहा हूँ रमज़ान में इस तरह की वीडियोज़, जैसे रोस्टिंग वीडियोज़ हो गए, इस तरह की वीडियोज़ तो अवॉइड ही करें, तो रोस्टिंग वीडियोज़ तो आप भूल ही जाओ रमज़ान में, लेकिन इस तरह के वीडियोज़ जो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे गाइज। सो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, एंड वीडियो को क्या करना है लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना यार, वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। वैसे आपको पता नहीं मैं किस टाइम शूट कर रहा हूँ, अभी रात के 2:40 हो रहे हैं, मतलब 2:40 AM हो रहा है, और थोड़ी देर में मैं सहरी करने वाला हूँ, और सहरी से पहले मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर लिया जाए, ताकि आपको पता है रमज़ान रोज़े में ना वीडियो वगैरह शूट करने का मन नहीं होता यार, और एनर्जी नहीं रहती ना, बोलने की एनर्जी नहीं रहती, तो इस वजह से ना मैं अभी नाइट में ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो कभी कभी मुझे आलसी आ गई, कभी मैं सो गया, तो किसी दिन वीडियो मिस भी हो सकता है, सो आप लोग माइंड मत करना। लेकिन मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको डेली एक वीडियो दे सकूँ, एक या फिर दो, ट्राई करता हूँ मैं तो कि दो वीडियो दूँ आपको, लेकिन रमज़ान में शायद एक ही वीडियो दे पाऊँगा डेली। सो बहुत ज़्यादा आपको बोर कर लिया, आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।